बिल्कुल भी ना भूलें। विदिशा जिले की पठारी में शमशान की भूमि को सुंदर सुव्यवस्थित करने और अतिक्रमण कार्यों से मुक्त कर भविष्य में अतिक्रमण से बचाने के लिए शमशान घाट के चारों ओर पंचायत निधि से लगभग 7 लाख से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। शांति धाम में पशुओं को प्रवेश पर रोक लगाने के साथ नए पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ बाउंड्री वॉल के लिए जनता बहुत दिनों से मांग उठाती आ रही है, जो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। सरपंच देवेंद्र सिंह ठाकुर और ग्राम पंचायत सचिव गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि शांति धाम बाउंड्री वॉल का निर्माण 7 लाख की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें एक गेट, 2 चक्री का निर्माण किया जाना है और पानी की व्यवस्था भी होना है, जिसका निर्माण कार्य जारी है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। वहाँ पानी की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था करा रहे हैं, मकबूल भी हो गया है, उसमें मोटर डाल के बढ़िया बैठक व्यवस्था करा देते, उसकी बाउंड्री हुई, उसकी करीब 7 लाख की लागत से बाउंड्री का निर्माण हुआ है और एक और अभी टी एस कराई है, तो वो भी काम पूरा करा देते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।